इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा अद्वैत वट से पधारे हुए श्रीमद् भागवत की सुमधुर प्रवक्ता पूज्य श्री राजेश कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से आप भी दो मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महाप्रभु ने अपने शिक्षाशन का आरंभ ही यहाँ से किया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाद ने निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्न परम्परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। सर्वतो भावेन भगवन नाम संकीर्तन का आश्रय हमें केवल संत वैष्णव की कृपा से प्राप्त हो सकता है। जब तक संत सद्गुरु की कृपा जी पर न हो भगवन नाम संकीर्तन के प्रति अभिरुचि और अनुराग जन्म नहीं लेगा। जब नाम संकीर्तन का आश्रय जीव सर्वतो भावेन सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करता है तब वो शरणागति की तरफ प्रवृत्त होता है और शरणागति भगवत भक्ति का चरम परम लक्ष्य है, जिसमें श्री सनातन गोस्वामी पाद शरणागति के 6 लक्षण बतलाते हैं। आनुकूल्येन संकल्पः प्रातिकूल्यश्च वर्जनम रक्षश्चतीति विश्वासः गोप्यत्ववर्णम यथा आत्मनिक्षेप तार्पण्य षड्विधा शरणागति। नाम संकीर्तन और सत्संग का आश्रय लेने पर जीव शरणागति की तरफ प्रवृत्त होता है और इनके 6 लक्षण का आश्रय ये भी संपूर्णतः सद्गुरु की कृपा पर निर्भर है। तो आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी सिद्ध स्थली पर इन समस्त संत वैष्णवों का दर्शन और श्री चंद हंस जी पाठक जी की स्मृति महोत्सव के पालन कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्मृति का पालन करने से जिन महापुरुष का हम स्मरण कर रहे हैं उनके स्मरण में ये उत्सव किए जाएं, ये स्मरण करने मात्र से हम सब उनके चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधा रमण की बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। अपने महाप्रभु जी के दिव्य सिद्धांत का बहुत सुंदर व्याख्यान प्रदान किया।